think you can hear us. So hey guys, this is Rakesh and welcome to my YouTube channel. और आप सभी को जोहार. तो अभी हम लगभग 11:30 बजे और हम अभी रानापुर में हैं और फ्यूल अप करवा लिया है. तो अभी हम निकल रहे हैं भोपाल. तो आज की मतलब आज हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मतलब भोपाल पहुंचने में कितना खर्चा और कितने टाइम में और किस हिसाब से हम पहुंचते हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा. और काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि भोपाल जाने में कितना खर्चा आता है, मतलब कितना गाड़ी तेल खा जाती है और कितना वक्त लगता है. तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और अभी हमने इसमें फुल टंकी करवा ली, मैं आपको दिखाऊंगा. लगभग 1350 का हुआ है अभी तो यहाँ से. और इसमें रेंज बता रहा है कि 150 किलोमीटर जाएगी, पर देखते हैं कितना क्या होता है. चलिए चलते हैं. वो स्प्रे का डब्बा कहाँ डाला तुमने देखा? मुझे नहीं पता ब्रो. सर मत बोला कर यार. भाई अपन अपना नाम वाम बता दे. सर शिवा नाम है. शिवा नाम है, ये नानापुर में यही काम करते हैं. हाँ. तो दोस्तों अभी हम माचलिया घाट पे आ गए हैं और आप देख सकते हो ये रोड. अभी इस रोड का उद्घाटन हुआ है NH-47 अहमदाबाद इंदौर हाईवे, जो कि हमारे झाबा जिले से होके गुजरता है. और इतना सारा पहाड़ खोदा यहाँ पर कि क्या बताऊँ आपको. और आप ये थोड़ा सा रोड देख लीजिए एक बार, कितना मक्खन रोड है यार. गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है जब यहाँ पहले है ना, एक वक्त पे यहाँ पर गाड़ी चढ़ने के लिए उसको गांड फट जाती थी और 10-20 की स्पीड पे चलती थी. और अब तो ये वाली गाड़ी 100-120 पे भी यहाँ पर सर्राटे से निकलती है. तो इस रोड पे गाड़ी चलाकर काफ़ी मज़ा आता है. ये देखिए आप, थोड़ा सा रोड दिखाता मैं. तो चलो चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा माचलिया घाट के रोड की राइड करके दिखाता हूँ. और इस घाट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. बहुत पहले ज़माने में इस रोड पे रात में या फिर दिन में निकलने में लोगों की कान फट जाती थी और यहाँ पर बहुत लूटपाट भी चलती थी. जब ये रोड नहीं बना था ना, तब यहाँ पर एक्सीडेंट भी काफ़ी होते थे. और यहाँ पर किसी गाड़ी को निकलने में लगभग 30 से 40 मिनट तो लगते ही लगते थे. और अब देखो लगभग 15 से भी कम टाइम में तुम यहाँ से आसानी से निकल सकते हो. भले रोड कितने भी अच्छे हो, पर लोगों को ठुकना है तो ठुक के रहेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते. और कभी भी आप ऐसा हाईवे देखकर एकदम गाड़ी रेल मत दिया करो, क्योंकि जैसा आपका हाईवे रहेगा ना, उसके हिसाब से आपका एक्सीडेंट हो सकता है. हम धार के आसपास आ गए हैं और हमको लगभग 1.5 घंटा हो गया है घर से निकले हुए. इतनी देर में इतना हमने कवर किया है. अब शायद हम सोनू रेस्टोरेंट पे रुकेंगे. तो चलो चलते हैं वहाँ पर, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे. तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पर सोनू रेस्टोरेंट पे और हमने यहाँ पर नाश्ता वास्ता कर लिया और हमने वापस फिर से पैकिंग कर लिया निकलने के लिए. और अभी तक दिखाऊँ मैं, हमने लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया लगभग 2-1 घंटे में. तो अभी हम डायरेक्ट इंदौर में जाकर स्टॉप लेंगे. और गाड़ी पर बैठ बैठ के हमारे भी गांड दुखने लग गई थी, सोचा एक स्टॉप ले लिया जाए. चाय वाय पी हमने और अभी तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा और एक क्लोज कनेक्शन भी रहा हमारा ट्रक और बाइक के बीच में, का रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं. तो अब चलिए चलते हैं, अभी इंदौर में स्टॉप लेंगे हो सके तो. तो भाई लोग आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो इस टाइप के ट्रक होते हैं जैसे आइसर या फिर कोई खाली वाहन, तो उनसे आप ज़्यादा दूरी बना कर रहें, क्योंकि ये फट से इधर उधर मोड़ देते हैं ट्रक और हमारी माचू. तो हमने इंदौर पार कर दिया है और थोड़ी सी एयर प्रेशर चेक करवा लेते हैं हम गाड़ी में. और भाई पीछे वाली सीट ना बहुत टाइट है, मेरी गांड दुख गई बैठ बैठ कर. पीछे वाली सीट तो कंफर्टेबल है, क्या बताएं यार. और मेरा जो बैग है ना वो काफ़ी भारी है, आप इधर से देख सकते हो. ये हमने खाना खा लिया है, एक रोटी और थोड़ी बहुत सेव जो कि हम घर से लेके आए थे. हम ना ढाबे पे रुके हैं ना किसी रेस्टोरेंट में. और ये देखिए रोड, भोपाल उज्जैन इंदौर देवास यही वाला है. और ये वाला रास्ता लगभग 100 किलोमीटर का है. तो ये रास्ता लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इस पे चले जाओ चले जाओ चले जाओ तुम बोर हो जाओगे. और अब हम चलते हैं.
तो अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप गाड़ी के पीछे साइड बैठे हो तो जो राइडर है उसको आप पकड़ के बैठे या फिर गाड़ी को पकड़ के बैठे, क्योंकि जो हाईवे है ना उस पर कभी कभी है ना ऊपर नीचे जैसा एक रोड आता है तो वहाँ पर गाड़ी उछल जाती है। तो मैं है ना हवा में उछल गया था, तो आप ध्यान रखना इस बात का, कभी ऐसे मतलब हाईवे पे निकलो तो राइडर को पकड़ के बैठिए, सेफ रहेंगे। तो लगभग हमारा 400 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया और अभी हम भोपाल में आ गए हैं। और क्या है बताऊँ, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बस हम जैसे तैसे रूम पे पहुँच जाए। बस बॉडी के एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जहाँ से सभी लोग बैठते हैं। तो गाइस आज की मजदूरी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, और इस ट्रेवल से रिलेटेड तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और तब तक बाय बाय।